अधिकार के ले वे पगुरैया ले वे पगुरैया भैंसा ले वे पगुरैया वैसन करनी वैसन वरनी इतिहास पुराण बदैया इतिहास पुराण बदैयर भैंसा इतिहास पुराण बदैया बिजहा नहीं बात है ये दुर्योधन के बिजहा नहीं बात है बिजहा नहीं बात है ये दुर्योधन के बिजहा नहीं बात है वेद संगति दूर नहीं अगली पारी वेद संगति दूर नहीं अगली पारी मंजूर नहीं वेतन में संगति दूर नहीं अगली पारी मंजूर नहीं। गाँवों में पल पल दिल के तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मान तो पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी मान तो पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी वेतन वेतन की संगति दूर करनी होगी करनी होगी करनी होगी भारत माता की भारत माता की हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 संगठन शक्ति जिंदाबाद 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 संगठन शक्ति जिंदाबाद 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 अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हमारी प्रमुख मांग है की सेवा की गणना करते हुए वेतन की संगति को दूर करना इस प्रमुख मांग को लेकर के हम कई बार से शासन प्रशासन का अवगत कराया है लेकिन शासन प्रशासन अभी तक हमारी मांग को पूरी नहीं की इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिए है जिसके कारण से प्रदेश के तमाम सहायक शिक्षक आक्रोशित हैं और इस कड़ी में अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सीएम हाउस को घेराव करने के लिए हर एक जिले से पूरे प्रदेश के सभी जिले से शिक्षक जा रहे हैं हम भी कोरबा के जो जिले के सहायक शिक्षक हैं जा रहे हैं सीएम हाउस घेराव करने के लिए तो हमें कृपया जाने दीजिए हमको जाना है कमेटी पहले से गठित है नहीं कमेटी गठित है सर लेकिन आप हमको जाना ही है सर कमेटी तो गठित है उसमें निर्णय आएगा उस हिसाब से फिर आप लोग नहीं कमेटी गठित नहीं कमेटी को तीन महीने का तीन महीने समय लिए थे और तीन महीना सात वर्ष ऊपर हो गया सर कमेटी 14-15 माह हो गया लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक हमारे समक्ष नहीं रखा गया है और किसी प्रकार की हमें आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है यदि कमेटी की रिपोर्ट आ जाती कुछ हमको आर्थिक लाभ हो जाता हम आज हड़ताल नौ बजे नहीं आते हमारे स्थान स्कूल है सड़क नहीं है लेकिन मजबूरी में मतलब विवश होकर सड़क की लड़ाई हमको लड़नी पड़ी हम तो बच्चों के पास हमको पढ़ाने के लिए हमको नियुक्त किया गया वहीं रहना हमारे कर्तव्य है लेकिन क्या करें जब शासन ने वादा किया था मतलब सर तो वादा को निभाए हमारी जाना नहीं पड़ेगा वहाँ से जो रायपुर के प्रतिनिधि हमसे वो बात कर ले कम से कम कमेटी का क्या अभी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया सर इसलिए मतलब एकजुट होकर के अपने मतलब उसको हमको मतलब जाना है और आप लोग से निवेदन है कि हम लोग को जाने दीजिए हम अपनी मांग पूरा करा हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारा सर घेराव प्रस्तावित है 11 फरवरी को सीएम हाउस का घेराव करनी है और प्रत्येक जिले से हमारे साथी निकल चुके हैं और कल जैसे कि जिला प्रशासन के साथ हमारा मीटिंग भी हुआ था इसमें हमने बात रखी है कि हमारी वेतन की संगति की सर जो ज्वलंत मुद्दा नहीं है बहुत पुराना मुद्दा है और इसमें कोई बरगलाने वाली भी बात नहीं शासन ने अनेकों बार